इन प्राकृत संख्याओं में सम संख्याएं होती है। सम संख्या वो कहलाती है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है तथा शेषफल नहीं बचता है, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। इसी प्रकार जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तथा शेषफल बचता है उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन संख्याओं को में दो के अपवर्त्य या दो के पहाड़े को, दो का पहाड़ा हुआ 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 5, 2 × 12, 2 × 14, 2 × 14 इत्यादि। इसी प्रकार हमारे ये दो के गुणज या अपवर्त कहलाएंगे।